अवॉइड यूजिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एडजेक्टिव से आता है, अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स. किसी भी सेंटेंस में यू कैनॉट यूज डबल कंपेरेटिव. कंपेरेटिव डिग्री तो सबको पता है, थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे एडजेक्टिव के 3 degrees होते हैं, एक होता है, रुको थोड़ा बताना होगा, एडजेक्टिव के 3 degrees होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपेरेटिव होता है और एक सुपरलेटिव होता है. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, कंपेरेटिव डिग्री में दो के बीच में, और सुपरलेटिव बहुतों के बीच में. जैसे मैंने लिखा गुड, गुड मतलब अच्छा, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है. बेटर, बेटर का मतलब है दो के बीच में अच्छा, कंपैरिजन दो के बीच में, और सुपरलेटिव इज बहुत अच्छा. वाइज लिखा, वाइज का मतलब है समझदार, वाइजर दो के बीच में समझदार, और वाइजेस्ट बहुतों के बीच में, बहुतों के बीच में. यस, गुड बेटर बेस्ट. चलो अब क्वेश्चन आओ. कभी भी सेंटेंस में दो कंपेरेटिव और दो सुपरलेटिव यूज करने ही नहीं. देखो, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, एरर कहाँ पे है? चलो बताओ, ही इज एरर कहाँ पे? ही इज मोर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरर है, एग्जाम्स में आ जाता है. देखो देखो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जिसका कंपेरेटिव ER लगा के नहीं बनाते हैं, तो हम वहां पे मोर लगाते हैं. जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो नहीं बनता है ना, हम क्या लगाते हैं? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, सबको पता है कि वाइजर, वाइज का जब वाइजर कंपेरेटिव बनता है, और मोर भी कंपेरेटिव है, जब वाइज का ER लगा के कंपेरेटिव बनता ही है, तो फिर से मोर नहीं लगाओगे. ये भी कंपेरेटिव हो गया, ये भी कंपेरेटिव हो गया, और सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ आएगा नहीं. जब वाइज का ER लगा के बनता ही है तो वाइजर लगाओ. सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. हाँ बताओ, सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. मोर भी कंपेरेटिव है और बेटर भी कंपेरेटिव है. जब गुड का बेटर बनता ही है, मोर लगाने की जरूरत नहीं. मोर ब्यूटीफुल सही है, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल में दो कंपेरेटिव नहीं है. मोर ब्यूटीफुल मोर लगा के बनाते हैं, ये तो एक ही कंपेरेटिव. शी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. शी इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. आंसर बताइए. मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट भी सुपरलेटिव है, और सेंटेंस में दो सुपरलेटिव आएगा ही नहीं. शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. इसमें एरर कहाँ पे? इसमें एरर कहाँ पे? आंसर बताइए. नो एरर है, नो एरर है, करेक्ट है. यहाँ पे दो सुपरलेटिव नहीं है, यहाँ तो एक ही सुपरलेटिव, एक ही सुपरलेटिव है, ठीक है, बट यहाँ पे तो दो था, यहाँ पे दो था. नो एरर. नेक्स्ट, ये वाला रूल याद रखना है, ये आता है एग्जाम में. अभी मैंने बोला कि दो दो कंपेरेटिव तो एक साथ नहीं आता है, मोर भी कंपेरेटिव है और बेटर भी कंपेरेटिव, और दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आए. मोर बेटर नहीं होता, बट मच बेटर होता है, ठीक है. मच इज विच डिग्री? मच बेटर हो सकता है, मच बेटर हो सकता है, मच पॉजिटिव डिग्री है, उसके साथ आ सकता है मच. मच वो, हाँ वो हम अलग से करेंगे रेणु शर्मा, वो अलग है. एक पॉजिटिव और एक कंपेरेटिव आ सकता है. मच बेटर, मच बेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट मोर बेटर यूज नहीं करें. द नहीं होगा. कहाँ पे? अच्छा अच्छा, एक ये मुझे बताओ, एक बार मुझे बताओ कि ये बेस्ट का हम मच और बेटर लगा सकते हैं, बट मोर और बेटर नहीं लग सकता है. बेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बताना जरा. बेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, बेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन बेस्ट एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है. बेस्ट कैन एक्ट एज एन एडवर्ब आल्सो. इसका यूज हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. डिग्रीज सिर्फ एडजेक्टिव का ही नहीं बनता है, डिग्रीज एडवर्ब का भी बनता है, ठीक है. एडवर्ब का भी डिग्रीज बनता है. जैसे स्लोली एडवर्ब है, वैसे स्लो एडजेक्टिव है, तो स्लो का स्लोअर भी बनता है, स्लोएस्ट भी बनता है, ठीक है. स्लो और स्लोएस्ट दोनों बनता है. एडजेक्टिव का तो डिग्रीज बनता है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, बट एडवर्ब का भी बनता है. स्लोली एडवर्ब है, उसका भी डिग्री बनता है, मोर स्लोली, मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली, मोर और मोस्ट लगा के उसका भी बनता है. बेस्ट एडजेक्टिव भी होता है. बेस्ट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, और ही बिहेव्स, या ही बिहेव्ड बेस्ट इन क्लास. चलो बताओ, दोनों बेस्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों बेस्ट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द बेस्ट? दोनों बेस्ट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला, यस यस, फर्स्ट वाला बेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है. फर्स्ट वाला बेस्ट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है. स्टूडेंट नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, यस. और सेकेंड वाला में ही बिहेव्ड बेस्ट, यहाँ बिहेव्ड वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं.
एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब. तो बेस्ट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने अभी एक स्टूडेंट के कमेंट बॉक्स में कमेंट देखा, तो उन्होंने बोला कि मैम आपने सुपरलेटिव के पहले द क्यों नहीं लगाया. यहाँ मैंने सुपरलेटिव के पहले द लगाया है, ठीक है. यहाँ सुपरलेटिव के पहले मैंने द लगाया है, ठीक है. सुपरलेटिव के पहले मैंने यहाँ पे द लगाया है. क्यों? क्योंकि यहाँ यहाँ जो द तब लगता है ना जब सुपर, जब बेस्ट एडजेक्टिव का काम करने लगे तब द लगाओगे. क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है और ये जो आर्टिकल लगा है किसके लिए? नाउन के लिए. बट यहाँ मैंने बेस्ट के पहले द इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में बेस्ट एडजेक्टिव का काम कर ही नहीं रहा है, बेस्ट एडवर्ब का काम कर रहा है. इसके बाद कोई नाउन नहीं आया इसलिए मैंने द नहीं लगाया, द नहीं लगाया. तो बस याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द तब आएगा. ध्यान रखना है कि जब वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्यों? एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आएगा और नाउन के साथ ही तो द लगेगा, बट यहाँ पे तो एडवर्ब का काम कर रहा है. आई थिंक उनका क्लियर हो गया होगा जो पूछ रहे हैं. ओके, हाँ, शी इज फीलिंग मच बेटर, ये तो करेक्ट, मच बेटर करेक्ट.